छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। फेसबुक से दोस्ती के बाद दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग। यूपी से आकर होटल में संबंध बनाया, वीडियो डिलीट करने के लिए मांगे 10 लाख रुपए। जांजगीर चांपा जिले में एक युवती दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई। आरोपी और युवती की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। दोस्ती बढ़ने के बाद आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाते हुए फोटो वीडियो बना लिए, जिसके बाद वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 24 साल की युवती की दोस्ती यूपी के कुशीनगर निवासी निलय खरवाल से हुई थी। 2021 में दोनों फेसबुक के जरिए दोस्त बने और धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी हुआ। आरोपी निलय युवती से मिलने 3-4 बार जांजगीर भी आया था। इसी बीच 2022 में आरोपी ने युवती को जांजगीर के एक होटल में मिलने बुलाया, जहां उसने प्यार और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। आरोपी निलय खरवाल वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा, बार बार युवती से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। युवती के मना करने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी आरोपी दे रहा था, जिसके बाद तंग आकर युवती ने बात करना बंद कर दिया, जिस पर आरोपी ने युवती के फोटो उसके परिजन को व्हाट्सएप पर भेज दिए और डिलीट करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर परिजन ने युवती के साथ इसकी शिकायत थाने में की। 20 जुलाई को सिटी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम बनाकर उत्तर प्रदेश भेजी, जहां आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे कुशीनगर जिले के तुर्क से पकड़ लिया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी निलय के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है।